तो गाइस जैसा कि मैंने बताया कि आ चुके हैं अब हम लोग यहाँ पहलगाम टैक्सी स्टैंड में। अब चलते हैं, देखते हैं यहाँ का क्या प्लान है, आप बने रहो। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द अनदर व्लॉग। डल लेक यहाँ है, टाइम हो रहा है सुबह 8:10 या 8:15 कुछ ऐसे हो रहे हैं। हम निकल चुके हैं, आज का प्लान है हमारा पहलगाम जाने का। और सर को देखो, डेली भैया नए नए ड्रेस में पहन के घूमते। कितने कपड़े लाए थे सर आप? 10 जोड़ी। बाप रे बाप, मैं तो भाई 3 जोड़ी लेके आया था और एक जैकेट। इस जैकेट में मैंने बहुत वीडियोस बना दी क्योंकि और जैकेट कोई में है नहीं मेरे पास। कोई जैकेट है नहीं मेरे पास, मीन्स के यहाँ पे नहीं है। घर पे तो भाई 6-7 जैकेट है लेकिन यहाँ मैं एक ही लेके आया था क्योंकि मुझे लगा था कि ज़्यादा सामान कैरी नहीं करना है। तो खैर चलो भैया, भाभी वेट कर रहे हैं गाड़ी में, वहाँ पे चल रहे हैं, पहले उनसे मिलते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं पहलगाम के लिए। और यहाँ से जो पहलगाम का डिस्टेंस है आई थिंक 150 किलोमीटर के आसपास है, इतना मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन ड्राइवर भैया ने कल बताया था। तो चलो फटाफट चलते हैं, पहले उनसे मिलते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं सीधा पहलगाम के लिए। तो गाइस चलो फाइनली मिल गए हैं भैया भाभी और सर, और मैं भी देखो सब साथ में है। अब कहाँ ड्राइवर भैया, कहाँ है? 8 बजे भैया, 8 बजे से हम खड़े हैं यहाँ पे, ड्राइवर भाई का पता ही नहीं है, भैया फ़ोन कर रहे हैं, उसके बाद आज भाई ड्राइवर फिर चलते हैं। तो गाइस चलो, ये पीछे वो दुकान आपको वहाँ पे दिख रही होगी, वहाँ से चाय वाय पी ली है और सामने ये देखो गाड़ी आ गई है अपनी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वो ओस है क्या? ओस ही है यार ये, या बर्फ है क्या है ये, देखना मुझे तो ओस ही लग रही है, बाकी पता नहीं। चलो अब चलते हैं सीधा पहलगाम। गाइस सब लोग आ गए हैं गाड़ी में और अपनी सवारी निकल चुकी है और सामने देखना सूरज निकल रहा है, क्या प्यारा लग रहा है भाई, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो चलो अब चलते हैं सीधे पहलगाम। क्या बोलते हैं भैया? तो गाइज अभी आ चुके हैं एक ढाबे पे, ये सामने दिख रहा होगा ढाबा, और इस जगह का नाम है अनंतनाग। अनंतनाग का नाम भैया क्या नाम है इस जगह का? अनंतनाग ना। तो गाइज वो सामने आपको दिख रहा होगा ढाबा, ढाबा मतलब ढाबा ही है लेकिन काफी अच्छा लग रहा है। तो चलो चल के देखते हैं, रेस्टोरेंट ढाबा जो भी है देख लो। तो चल के देखते हैं अभी क्या ऑर्डर करेंगे, नाश्ता वास्ता कर लेंगे क्योंकि नाश्ता किया नहीं, सिर्फ चाय पी थी घर पे। सॉरी मैं घर पे बोल रहा हूँ, वहाँ से मतलब ब्लॉक में शामिल होते वो लोग। ओके वो भाई लोग मिल गए, कह रहे हैं कि ब्लॉक में हमें भी ले लो। जी सर बताइए, कहाँ से हैं आप लोग? उत्तराखंड। उत्तराखंड जी। अच्छा, और यहाँ कैसे आना हुआ घूमने? काम चल रहा है। ओके किस चीज़ का? एप्पल फार्म, ठीक है। अब तो अभी तो एप्पल होंगे नहीं? ओके अच्छा, अभी स्ट्रक्चर लग रहा है। वैसे एप्पल का सीजन कब होता है? अगस्त में आता है। अगस्त में, ठीक है चलिए। अभी प्लांटेशन चल रहा है, चलिए ठीक है, बाय बाय। चलो बाय बाय। गाइस देख लो ये एप्पल की फार्मिंग करते हैं ये लोग। हाँ मैं कह रहा था कि चाय, मैं घर से बोला, घर से नहीं भाई, वो वहाँ छोटा छोटी सी दुकान थी वहाँ से चाय पी के निकला था। तो सोच रहे हैं चलो यहाँ पे कुछ नाश्ता वास्ता कर ही लेते हैं। भैया कहाँ चले गए? भैया दिखाई, अच्छा यहाँ आ रहे हैं, ये पीछे, मुझे लगा आगे निकल गए लेकिन पीछे ही हैं। और सर को देखिए वहाँ पे खड़े हुए हैं। हाँ क्या कह रहे हो? अच्छा चैनल, अच्छा हाँ सॉरी, उनको मैंने चैनल बताया नहीं नाम, वो पूछ रहे हैं कि चैनल का नाम बता दीजिए। चल के बताते हैं चैनल का नाम, वो खड़े हैं वहाँ पे फिर सर्च करेंगे। गाइज मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अभी तो भैया लोग ऑर्डर कर रहे हैं, अभी पीछे मैंने एक बोर्ड देखा था, वहाँ से लिखा था कि आप पुलवामा 35 किलोमीटर्स, ऐसा मैंने बोर्ड देखा था। लेकिन यहाँ अनंतनाग में नहीं, अनंतनाग से काफ़ी पहले, आई थिंक कुछ 15-20 किलोमीटर पहले देखा होगा। तो मैं गाइज, पुलवामा ना यहाँ से बहुत नियर है। गाइज देखो ये है इनका मेन्यू कार्ड। क्या ऑर्डर किए भैया? ऑर्डर हो रहा है, पराठा ऑर्डर किए हैं इनके लिए। हाँ आप जो खाओगे सो। मैं तो आलू पराठा ले लूँगा, मसाला डोसा मैं ऑर्डर कर रहा हूँ अपने लिए। हाँ ठीक है, मैं आलू पराठा लूँगा। ठीक है हाँ भैया, आप प्लीज आटा ही रखना भाई, मैदा मत रखना प्लीज़। ठीक है ओके, ठीक है थैंक यू। तो गाइस फाइनली अपना ऑर्डर आ गया, देखो सब खाना भी शुरू हो गए, गोभी का पराठा, आलू का पराठा, और भैया ने क्या लिया है डोसा। तो चलो अब नाश्ता यहाँ से फिनिश करते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस चलो फाइनली हो गया भैया नाश्ता पानी, अब चलते हैं सीधा, बढ़ते हैं पहलगाम की तरफ। मन कर रहा था थोड़ा सा गाना सुन लूं, बहुत खूबसूरत वादियां थी, पर डर भी लग रहा था कॉपीराइट ना आ जाए। गाइस देखो ये आपको जो दिख रहा है ना पेड़ सूखा हुआ, ये एप्पल गार्डन है लेकिन अभी इस पे एप्पल लगे नहीं है।
बिकॉज भैया जो बता रहे थे कि एप्पल का जो सीजन होता है वो अगस्त में शायद होता है, तो इस वजह से है नहीं एप्पल इसमें। देख लो सारा ये सब एप्पल गार्डन ही है। तो गाइज देखो फाइनली आ गए, वेलकम टू पहलगाम, दिख गया होगा आपको। गाइज देखो ये कश्मीर के गांव पहाड़ों में जो लोग रहते हैं, और ये है मेन रोड। तो गाइज यहाँ पे पहलगाम फाइनली पहुँचने वाले हैं, पहुँच ही गए हैं। यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट है, सब लोग यहाँ पे सेल्फी खिंचवा रहे हैं। मैं आपको बता दिखाता हूँ, वो देखो सामने बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल्फी लेते हैं। ये सामने का व्यू कुछ देखो ऐसा है, वो देखो लिखा है पहलगाम, चलो वहीं पे चलते हैं। गाइज देखिए ये सामने लिखा है पहलगाम, यहाँ पे कुछ मैगी चाय अंडे वगैरह मिलते हैं। ये क्या मिल रहा है यहाँ पे, कश्मीरी फ्रूट्स हैं क्या कुछ, आई डोंट नो क्या है। गाइज आप भी देख लो अलग अलग तरीके के, क्या है ये किशमिश देखना, बहुत लंबे लंबे है भाई, ये देखना कितने लंबे लंबे किशमिश। तो चलते हैं वहाँ पे पहलगाम, देखो दिख गया होगा। गाइज देखना ये अंकल रैबिट लेके घूम रहे हैं, और ये कबूतर भाभी के ऊपर बिठा दिया कबूतर, देखो ये भैया सेल्फी पॉइंट पहलगाम। तो गाइज चलो ये पीछे आपको दिख रहा होगा ना सेल्फी पॉइंट, चलो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे कुछ एक दो पिक्चर्स ली हैं, वो इंस्टाग्राम पे आपको देखने को मिल जाएंगी, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हाँ अगर ब्लॉग इंजॉय कर रहे हो, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइज। तो चलो आ गए हैं फाइनली भैया अपनी गाड़ी के पास, अब गाड़ी में बैठते हैं और आगे की जो जर्नी है वो कंटिन्यू करते हैं, बस यहाँ से थोड़ी दूर और है। चलो गाइज फाइनली आ गए हैं पहलगाम का जो टैक्सी स्टैंड है ये सामने। तो गाइज जैसा कि मैंने बताया कि आ चुके हैं अब हम लोग यहाँ पहलगाम टैक्सी स्टैंड में, अब चलते हैं देखते हैं यहाँ का क्या प्लान है। आप बने रहो, शायद पैराग्लाइडिंग वगैरह भी यहाँ होती है, अभी कुछ आइडिया है नहीं। ये देखिए यहाँ पे घोड़े वोड़े के लिए शायद डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर जाना है शायद वहाँ, अभी मुझे इतना आइडिया है नहीं, तो चल के देखते हैं। जो भी आप बने रहो आपको दिखाएंगे व्लॉग में। तो गाइज ये हैं भैया हमें बता रहे हैं, ये सारे हैं टूरिस्ट स्पॉट्स जो भी हैं, ये देख लो एक ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, और ये है, चंदन बता रहे हैं भैया कि इसको मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं। तो चल के देखते हैं क्या है, आपको भी दिखाएंगे। गाइज ये जो भैया हैं पीछे, इन्होंने जो मैंने भी दिखाया ना बोर्ड, उस पर एक बंदे का लगभग 3500-4000 रुपये बताया, एक बंदे का घोड़े पे जाने के लिए वहाँ तक, एक बंदे का 3500-4000 रुपये। मतलब मैं लिटरली कसम से अगर इतना है तो मैं सोच रहा हूँ वापस ही हो जाऊँ, कोई मतलब नहीं है, घोड़े का 4000 रुपये यार देंगे यहाँ जाने का। गाइज जैसा कि मैंने बताया है कि रेट वेट का जो भी है बहुत ही ज़्यादा तगड़ा स्कैम चलता है भाई यहाँ पे, क्योंकि हमने सोनमर्ग में भी देखा, पहलगाम में भी देखा। तो जो चीज़ें रेट इतना भाई चाहे मतलब इतना हाई बताते हैं, बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, तो फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। ये भैया सर और मैं हूँ भाभी, जैसे आपको पता है, अब हम लोग सोच रहे हैं कहीं और पता करें, कुछ किसी और से बात करके देखें, अगर बजट में है कुछ 1000-1200 रुपए तक का समझ में आता है, अगर इतना है तो फिर करेंगे, नहीं अगर कर चलो भैया बोल रहे 1500 तक भी कर लेंगे पर हेड, लेकिन 3500 या 4000 46 कितने बताया था, 6 पॉइंट का 4600 रुपये बताया है एक बंदे का, तो 4600 रुपये एक बंदे का भाई मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। बाकी देखते हैं अगर डील डन होती है, कितने में डन होती है और हम वहाँ जाते हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस फाइनली डील डन हो गई है 6 पॉइंट के लिए, ये हैं भैया ये लेके जाएंगे, है ना भैया हो गया डन, हाँ भैया डन हो गया, ठीक है। तो गाइस चलो डन हो गया है 6 पॉइंट के लिए, 1000 रुपीज पर हेड, 4600 हाँ 1000 रुपीज भाई, तगड़ा स्कैम है, बच के रहना, बहुत बार्गेनिंग करना, घूमना टहलना यहाँ वहाँ भटकना, तब जाके कुछ डिसाइड करना कि यहाँ करना क्या है। 4600 रुपये मांगे खोपड़ी घूम गई यार, हम तो सोचे वापस ही हो लेंगे, लेकिन भाई चलो ये भाई लोग मिल गए, ये इन्होंने 1000 रुपये पर हेड पर डन कर दिया है। तो चलो अब चलते हैं, आप बने रहो, घुमाते हैं आपको, दिखाते हैं यहाँ का भी नज़ारा। एंड गाइज चलो यहाँ से निकलने से पहले और आपको एक बात बता दूँ कि पैराग्लाइडिंग वगैरह विंटर्स में नहीं होती है, प्लान था कि भैया बोल रहे थे कि ट्राई करेंगे पैराग्लाइडिंग भी, लेकिन विंटर्स में नहीं होती हैं, वो समर्स में होती हैं। चलो गाइज फाइनली अपने घोड़े आ गए यहाँ पे, अब जर्नी करते हैं यहाँ से स्टार्ट।